बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी के इलाके बहरिया टाउन फेज़ 8 में एक और कादियानी शख्स ने नबी होने का दावा कर दिया, नऊज़ बिल्लाह। वो शख्स कहता है कि मैं खुदा से डायरेक्ट बात करता हूँ। अभी आप उसकी वीडियो ख़ुद देख लें और उसके जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं वो ख़ुद देख लें। याद रख के कहा है कि अल्लाह मुझसे बात करते हैं, राइट? सुने मेरी बात, और मैं कुरान रख के बात कर रहा हूँ कि अल्लाह का मैं मैसेंजर हूँ, अल्लाह मुझसे बात करता है, ऐसे बात करता है जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो, अल्लाह के हुक्म से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। याद रख के कहा है कि अल्लाह मुझसे बात करता है, राइट? सुने मेरी बात, और मैं कुरान रख के बात कर रहा हूँ कि अल्लाह का मैं मैसेंजर हूँ, अल्लाह मुझसे बात करता है, ऐसे बात करता है जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो, अल्लाह के हुक्म से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। जिस दिन अल्लाह का हुक्म हुआ मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, और मेरी इनके साथ दुश्मनी नहीं है। ये सारे के सारे विदाउट लाइसेंस इधर डिप्लॉय किए हुए हैं, और ये सारा का सारा गेम अभी जो हो रहा है ये प्लांटेड गेम है, और ये सारे के सारे इसके पास ना तो लीज डॉक्यूमेंट है, राइट? सुने मेरी बात, राइट? इसके पास ना तो लीज डॉक्यूमेंट है, ना फारूक साहब के पास लीज डॉक्यूमेंट है। इस पे मेरे पीछे मेजर मुदस्सर ने अपने बच्चे से फायर खुलवाया, मैंने SHO IG लाहौर को वो कर दिया, मलिक रियाज को मैंने कॉपी की हुई है, राइट? ये सारे के सारे दे आर फ्रॉम इंटेलिजेंस, राइट? दे आर नॉट ओनर ऑफ एनीथिंग। आई ओन द हाउस। और आज जो हुआ है वो बहुत 10 साल के बाद ये हुआ है, राइट? ये पीछे से जनरल रिजवान अख्तर जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी में है, उसके कहने के ऊपर ये सारा डिप्लॉयमेंट है, राइट? इन्होंने एक मस्जिद, नहीं फालतू कोई नहीं है, लेट देम स्पीक, बिकॉज यू नो मसला ये है कि ये इन्होंने तो मेरा वीडियो कॉलिंग शुरू कर दिया। इसके साथ ही कल एक और वाकया पेश आया पेशावर के इलाके हयातबाद में। एक मेडिकल स्टोर का ओनर जो कादियानी था उसको कत्ल कर दिया गया। अभी उसको किस वजह से कत्ल किया गया, क्या तफसीलात हैं, ये अभी सामने आना बाकी है। रबुआ टाइम्स में शेयर की गई न्यूज़, रबुआ टाइम्स कादियानियों का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है, तो वहाँ पे तमाम कादियानियत से रिलेटेड न्यूज़ शेयर की जाती हैं। वहाँ पे बाकायदा ये न्यूज़ शेयर की गई है, और ये अथेंटिक है कि खैबर मेडिकल कॉलेज हयातबाद पेशावर में इस बंदे को कत्ल किया गया, कादियानी था ये। जब एक मुल्क के अंदर रहते हुए आप उसी मुल्क के मज़हब का मजाक उड़ाएंगे, मज़हब की तोहीन करेंगे, तो करोड़ों लोगों में से कोई एक ऐसा उठ के इनको ऐसा काम कर देगा जो पहले 2 से 3 दफ़ा हो चुका है।